गर्मी है यार मलेशिया में, भी किया पूरा आना बेकार है मलेशिया में यार, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है। हाय एवरीवन, स्वागत किया वापस एक नए वीडियो में। सो बहुत सारे लोग मेरे वीडियो पे क्या कमेंट कर रहे हैं कि मलेशिया में मौसम कैसा होता है और मलेशिया में अगर मैं काम करने के लिए जाता हूँ तो हम लोग को क्या क्या चीज़ लेकर जाना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में वही चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग मलेशिया में आते हो तो आप लोग को क्या क्या चीज़ लेकर साथ में आना चाहिए और मौसम यहाँ पर कैसा होता है, सब कुछ आप लोग को इस वीडियो में डिटेल्स में देने वाला हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो अगर आप लोग मलेशिया में आओगे काम करने, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं था। हम लोग जब आए हुए थे यहाँ पे मलेशिया के अंदर में शुरू शुरू के दिनों में, तो हम लोग को ये चीज़ कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो हम लोग समझ ही नहीं पाए थे क्या क्या चीज़ लेकर जाना चाहिए मलेशिया के अंदर में, क्या क्या चीज़ लेकर नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारा दिक्कत हो गया था जब हम लोग शुरू शुरू दिनों में हम लोग मलेशिया में आ गए थे। तो दोस्तों वो दिक्कत आप लोग के साथ ना हो अगर आप लोग मलेशिया में आते हो किसी भी कंट्री से काम कर लिए, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया से भी आते हो तो वही चीज़ लेकर आना है, बांग्लादेश से भी आओगे तो वही चीज़ लेकर आना है, नेपाल से भी आओ तो वही चीज़ लेकर आना है। सेमरल में तो मलेशिया के बारे में बता दो कि मलेशिया में क्या क्या चीज़ मिलता है, क्या क्या चीज़ नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम मलेशिया रिलेटेड अपने चैनल में वीडियो बनाते रहते हैं ताकि आप लोग को उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग मलेशिया में आते हो तो मलेशिया में सबसे पहले आप लोग पूछते हो क्या कि मलेशिया में मौसम कैसा होता है। तो दोस्तों मलेशिया में मौसम कुछ इस प्रकार से होता है कि यहाँ पे ठंडी नहीं पड़ती है, यहाँ पे ठंडी नहीं पड़ती है, यहाँ पे होता है गर्मी और बरसात। गर्मी कितना होता है, गर्मी भी उतना नहीं होता जितना गल्फ कंट्री में होता है, किसी दूसरे कंट्री में होता है जैसे सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, कतर, इन सब कंट्री में जितना गर्मी होता है उसके अपेक्षा मलेशिया में बहुत ही ज़्यादा कम गर्मी रहता है। आप लोग इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अभी ये 27 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे मलेशिया के अंदर में, अभी प्रजेंट में, अभी फिलहाल जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ शाम का अभी 8 बज रहा है मेरे पास में, ठीक है। मेरे रूम में एसी भी नहीं है, मेरे रूम का फैन भी बंद है। क्यों फैन बंद है, क्योंकि फैन जब चालू करने पर वीडियो में नॉइस आने लगता है, ठीक है। क्योंकि अभी मैं माइक भी नहीं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अपने फ़ोन से ही वीडियो को शूट कर रहा हूँ, माइक भी साइड में रख दिया हूँ। तो देखिए अभी हाल थोड़ा थोड़ा अभी गर्मी हुआ है, क्योंकि अभी करीब 30 मिनट से मेरा फैन बंद है, ठीक है। 30 मिनट से फैन बंद है, 30 मिनट से मैं बिना फैन का अभी रूम में हूँ, तो कुछ इतना हमको गर्मी हुआ कि थोड़ा हल्का फुल्का भीग गया, आप लोगों को भी दिख रहा होगा वीडियो में, तो कुछ इतना ही गर्मी आप लोगों को दिखेगा, क्योंकि अभी शाम का टाइम में थोड़ा ज़्यादा गर्मी होता है। बात करें यहाँ पे कि धूप कैसा होता है, धूप जो होता है मलेशिया में बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा किस प्रकार से माने कि टेम्परेचर कम रहेगा लेकिन धूप ही ज़्यादा होगा। धूप जब स्टार्ट होगा मलेशिया में 1 बजे से लेकर 3 बजे तक तो बहुत ही ज़्यादा धूप रहेगा। अगर उस धूप में अगर आप लोग पड़ जाओगे, 1 से 3 के बीच में अगर पड़ जाता है धूप में, तो आप एकदम जल जाओगे, मतलब नहीं होता चाम एकदम आप लोग ब्लैक कर देगा, इतना ज़्यादा मलेशिया में 1 से लेकर 3 के बीच में जो धूप होता है। और बात करें कि मलेशिया में कि ठंडी होता है कि नहीं होता, जी हाँ दोस्तों, मलेशिया के अंदर में ठंडी नहीं होता है। अगर आप लोग शुरू शुरू के दिनों में आओगे तो आप लोगों को मैं कहाँ पे आ गया हूँ, ना यहाँ पे ठंडी हो रहा है ना गर्मी हो रहा है, बरसात यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, बारिश बहुत ही ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब काम करते हो तो बारिश यहाँ पे हर दिन आ जाएगा, बारिश एक बार ना एक बार आ ही। बात करें कि अगर आप लोग आते हैं मलेशिया के अंदर में तो कपड़ा कौन कौन सा लेकर आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग को ये चीज़ भी पता नहीं होता कि मलेशिया के अंदर अगर आप लोग शुरू शुरू के दिन में जाओगे तो सोचो कि यार यार मलेशिया में ठंडी पड़ता है, तो आप लोग जॉकेट ले लोगे, कम्बल ले लोगे, तो गर्म कपड़ा ले लोगे, तो वो सब चीज़ें आप लोग मलेशिया में नहीं लेकर आना है। क्योंकि अगर आप लोग वो चीज़ ढोकर लेकर आते हो, क्योंकि हम लोग ढोकर लेकर आए हुए थे मलेशिया के अंदर में और वैसे ही पड़ा हुआ था रूम में, ठीक है, उसका यूजे नहीं होता, कभी यहाँ पे ठंडी पड़ता नहीं, तो वैसे जॉकेट जब लेकर आओगे तो वैसे जॉकेट आपका रखा रहेगा, स्वेटर लेकर आओगे वैसे स्वेटर रखा हुआ रहेगा, कमल लेकर आओगे वैसे कमल आपका रखा हुआ रहेगा। तो दोस्तों ये सब चीज़ आप लोग लेकर नहीं आना मलेशिया के अंदर, ठीक है। आप लोग ना जॉकेट लेकर आना, ना स्वेटर लेकर आना है, आप लोग नॉर्मल कपड़ा लेकर आइएगा, ठीक है। बात करिए कपड़ा कितना रुपये में मिलता है, ये चीज़ भी बहुत सारे लोग मेरे वीडियो पर कमेंट करते हैं कौन कौन सा कपड़ा मिलता है मलेशिया में, ठीक है। तो दोस्तों मलेशिया में भी सेम इंडिया जैसा, अगर आप लोग ब्रांडेड कपड़ा पहनोगे, ब्रांडेड अगर आप लोग कपड़ा खरीदते हो तो महंगा मिलेगा, अगर नॉन ब्रांड खरीदते हो तो सस्ता मिलेगा। मलेशिया में भी हर टाइप का दुकान है। देखिए मैं जो शॉर्ट पहना हूँ, ये जो शॉर्ट है मलेशिया के अंदर में शॉर्ट खरीदा हूँ, तो देखिए नॉन ब्रांड शर्ट है, ये कोई ब्रांडेड शॉर्ट नहीं है, मैं ब्रांडेड शॉर्ट नहीं पहनता हूँ, क्योंकि मैं उतना अभी अपने आप को नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं ब्रांडेड शॉर्ट उतना नहीं पहनता हूँ। ये जो शॉर्ट मेरा है, शॉर्ट का प्राइस इंडिया में 700 रुपया, इंडिया प्राइस में 700 रुपया लगेगा। यहाँ मैं जो लिया हूँ, यहाँ का मैं 40 रिंगिट में शॉर्ट लिया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा कपड़ा का प्राइस है, हर कपड़ा आपको मिल जाएगा। बात करें कि यहाँ पे कौन कौन सा सामान मिलता है, कि सामान भी अगर कौन कौन सा लेकर आ सकते हो खाने के लिए, तो दोस्तों मलेशिया के अंदर में आप लोग आते हो, कहीं पे भी मलेशिया में आते हो, फुली मलेशिया का मैं बात कर रहा हूँ, तो आप लोग को यहाँ पे जिस मार्केट में जाओगे उस मार्केट में आप लोग जिस क्वान्टिटी से हो उस क्वान्टिटी का एक दुकान रहेगा, एक शॉप रहेगा, उसमें आप लोग हर चीज़ अवेलेबल रहेगा। उस पर मैं एक वीडियो भी बनाया होता है, उस वीडियो का जरूर जाकर देख लीजिएगा, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिख जाएगा, चाहे मेरे वीडियो को लास्ट में आप लोग वो वीडियो दिख जाएगा, उस वीडियो का जरूर देख लीजिएगा कि आखिर में कैसा उस दुकान में क्या कैसा सामान मिलता है, ठीक है। आप लोग अगर इंडिया से हो तो इंडिया का शॉप यहाँ पे रहेगा एक मार्केट में, ठीक है। उस मार्केट में जाओगे उस दुकान के अंदर में,
तो आपको जो चीज़ भी इंडिया में आप यूज़ करते हो, जो साबुन आप यूज़ करते हो इंडिया में, बाय द वे डॉव साबुन यूज़ करते हो, चाहे लाइफ बॉय यूज़ करते हो, चाहे पियर्स यूज़ करते हो, तो वो साबुन आप लोग को उसी दुकान में मिल जाएगा। अगर आप जो परफ्यूम आप लोग जो इंडिया में यूज़ करते हो वो परफ्यूम आपको उसी दुकान में मिल जाएगा। जो अगर आप शैम्पू यूज़ करते हो तो वो शैम्पू उसी दुकान के अंदर मिल जाएगा। मतलब इंडिया का जो भी चीज़ यूज़ करते हो, नॉर्मल जो जो यूज़ करने वाला सामान, तो सब चीज़ उसमें मिल जाएगा। बात करें खाने वाला सामान, तो खाने वाला भी जो चीज़ इंडिया में यूज़ करते हो, जैसा आप लोग मसाला यूज़ करते हो, जो सब्जी आप लोग खाते हो इंडिया में, जो चीज़ भी आप लोग खाते हो, जो चीज़ आप लोग को आवश्यकता पड़ता है, वो सब चीज़ उस एक ही दुकान के अंदर मिल जाए। तो खाने के लिए भी मलेशिया में आप लोग हर चीज़ मिल जाएगा, बशर्ते आप लोग को क्या होगा कि आप लोग उस दुकान में जाना होगा, इंडिया दुकान में जाना होगा आप लोग इंडिया से हो। अगर आप लोग बांग्लादेश हो तो अगर आप लोग को बांग्लादेश वाला दुकान में जाना होगा, तब आप लोग को उस टाइप का टेस्ट वाला सामान मिलेगा, ठीक है। नहीं तो अगर आप सुपर मार्केट जाते हो, जेन्युइन जो सुपर मार्केट तो रहेगा यहाँ पर हर मार्केट के अंदर में, तो उस दुकान के अंदर आप लोग जाते हो तो जेन्युइन सामान मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे आप लोग को मलेशिया वाला भी सामान मिलेगा ब्रांड, इंडिया वाला भी सामान मिलेगा, बांग्लादेश वाला सामान, तो ये सब थोड़ा कम मिलेगा, इंडिया और बांग्लादेश वाला कम मिलेगा। लेकिन आप लोग पर्सनली जो अगर वो दुकान है, इंडिया वाला जो शॉप है, उसमें अगर आप लोग जाते हो तो उसमें जो कुछ भी रहेगा वो इंडिया जो यूज़ करते हो वही चीज़ उस दुकान में मिल जाएगा। तो वैसा दुकान आप लोग हर मार्केट के अंदर में मिल जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है मलेशिया के अंदर में मौसम और जो सामान। तो दोस्तों अगर आप मलेशिया में आते हो तो कोई भी चीज़ का दिक्कत नहीं है, आप लोग को हर सामान इंडिया जैसे मिल जाएगा। आप लोग को बशर्ते उस जगह पे पहुंचना है, जहाँ पे आप लोग को दुकान है उस दुकान में जाकर हर सामान मिल जाएगा। यहाँ पे अगर आप लोग आइएगा तो ठंडी नहीं पड़ता, ठंडी का आप लोग को सामान लेकर नहीं आना है, आप लोग जैकेट स्वेटर कुछ नहीं लेकर आना है, नॉर्मल आप लोग कपड़ा लेकर आइएगा। यहाँ पे हर टाइप का कपड़ा मिल जाएगा आप लोग। अगर आप लोग काम करने के लिए आ रहे हो तो आप लोग काम करने के लिए, तो काम करने वाला ज़्यादा कपड़ा लेकर आप लोग आइएगा। नॉर्मल आप लोग वेस्ट करोगे, आप लोग नए नए कपड़े खरीद कर लाओगे मलेशिया के अंदर में, तो इससे आपका कपड़ा रखा रहेगा, आप लोग कपड़ा आपका यूज नहीं हो पाएगा। क्योंकि आप लोग काम करोगे तो काम के लिए बहुत सारा कंपनी में क्या है कि आपको वर्दी कंपनी देती है, ठीक है। अगर आप लोग बहुत सारा काम कंपनी में करते हो तो उस कंपनी का ही पर्सनल टी शर्ट आता है, पर्सनल उसका वर्दी रहता है, तो उस कपड़ा को पहनकर आप लोग उस कंपनी में काम करना है। अगर आप लोग प्लांटेशन कंपनी में काम करते हो तो प्लांटेशन कंपनी में आप लोग खुद के कपड़ा यूज करना है, ठीक है। फुल खुद के कपड़ा यूज करना, तो प्लांटेशन का काम है अगर आप लोग, तो अपना फुल कपड़ा ले लीजिएगा, फुल कपड़ा लेकर आइएगा तो आप लोग अच्छा। प्लांटेशन कंपनी में जो काम होता है बाहर में काम होता है, ठीक है, एक रूम के अंदर काम नहीं होता, तो बाहर में काम होगा, तो कभी धूप में भी काम होगा, कभी छाँव में भी काम होगा, कभी बरसात में भी काम होगा, तो आप लोगों को फुल कपड़ा लेकर आना है मलेशिया के अंदर में, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को तो यही इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि मलेशिया में क्या क्या चीज़ लेकर जाना चाहिए, क्या क्या चीज़ लेकर नहीं जाना चाहिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।